सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग क्रिएटिव शर्मा पर। मैं प्रतिभा शर्मा, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अगेन एक नया वीडियो जिसमें हम बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाने वाले हैं। इसका बैकग्राउंड आपको कैसे रेडी करना है उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो शेयर करूँगी, बट इसके आगे का स्टेप, इसके प्रॉपर आपको कम्प्लीट कैसे करनी है आपकी पेंटिंग, आज के वीडियो में देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट लिया है और मेरे बैकग्राउंड के ऊपर मैं यहाँ पर एक ट्री ड्रॉ कर रही हूँ जो कि ब्लैक, आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर ब्लैक कलर से मैं ये वर्क कंप्लीट करूँगी। ब्यूटीफुल सा यहाँ पर ट्री बनाने वाले हैं और उसमें कुछ पत्तियाँ, कुछ बर्ड्स, कुछ हाउस, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने 3 से 4 डिफरेंट कलर शेड ट्राई किए हैं और इन सब के लिए भी मैं वीडियो बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी। डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग कलर्स के साथ, अलग अलग पेंटिंग के लिए बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करना है, तो ये भी मैं बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी एक पर्टिकुलर वीडियो जिसमें आप डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या आप उस वीडियो में देख सकते हैं और उसके ऊपर आप किसी भी तरीके की पेंटिंग्स बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ये फर्स्ट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बहुत सुंदर दिख रहा है ये। और यहाँ पर मैं रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन लेने वाली हूँ। रेड एंड वाइट का लिया है मैंने बैकग्राउंड, इसके ऊपर ब्लैक कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पर ट्री का लेने वाली हूँ जो कि बहुत सुंदर लगने वाला है। एंड मैं आपसे इस वीडियो में एक टिप जो है वो शेयर करने वाली हूँ कि आप सिर्फ 2 कलर से बहुत सुंदर सा बैकग्राउंड बना सकते हैं। कभी भी किसी भी पेंटिंग के लिए अगर आपको बैकग्राउंड क्रिएट करना है तो ओनली एक सिंपल कलर ले लीजिए और उसके साथ वाइट ऐड कीजिए, बहुत सुंदर सा बैकग्राउंड आप इजीली बना सकते हैं जस्ट 2 कलर से, ठीक है। तो यहाँ पर रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आप देख ही सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो में जो आपके साथ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, अपने कुछ शॉर्टकट्स भी शेयर करती हूँ, आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे, इंजॉय करते होंगे आप इनको, और इन ट्रिप्स की मदद से आपकी पेंटिंग्स थोड़ी सी और आसान हो जाती होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपका चैनल पर आपको और भी वीडियो अपलोड हैं, आप जरूर करें, विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ आप सबके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, आगे भी करती रहूँगी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री लाइव वर्कशॉप्स के लिए। मुझे इंस्टा पर फॉलो कीजिए, सेम नाम #creativeshermaz पर। मैं तीनों नाम से तीनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा तीसरा बैकग्राउंड जहाँ पर मैंने टर्कोइश ब्लू कलर और उसके साथ वाइट ऐड करके एक तीसरा बैकग्राउंड कलर क्रिएट किया है। होप आप सबको ये बैकग्राउंड्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। कैसे क्रिएट करने हैं बैकग्राउंड्स, इसके लिए भी बहुत जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। सो इंतज़ार करते रहिए और मेरे साथ बने रहिएगा। फेस्टिवल सीजन है, आप भी ऐसी सुंदर सी ड्राॅइंग्स बनाइए, पेंटिंग्स बनाइए, इंजॉय कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस कीजिए और घर को डेकोरेट कीजिए। पॉकेट फ्रेंडली सारे आइडियाज़ मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कम बजट के आइडियाज़ के साथ आप भी अपने घर को डेकोरेट कर सकें और क्रिएटिविटी को एंजॉय कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी
इन वीडियोस को देखकर आर्टिकल बनाते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आप मुझे फेसबुक पर टैग कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स के साथ में। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप भी मेरे साथ क्रिएटिविटी को एंजॉय करते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपका सपोर्ट मिलता रहे, आगे भी मिलेंगे नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।